हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बैक हैंड के लिए ट्रेडिशनल मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैंने दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, देन उसके बाद इस तरह से हम 3 हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पर बेल्ट वाला डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ। सर्कल के अंदर हम पैरेट वाला डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेट का डिज़ाइन बहुत ही ट्रेंडी दिखता है एंड हमारे डिज़ाइन को एक लेटेस्ट लुक मिलता है। ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन में ये वाला डिज़ाइन बहुत ही अच्छा दिखता है। पैरेट्स के साथ हम और भी एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए, आप चाहे तो डॉट भी ऐड कर सकते हो। सेम डिज़ाइन हम फिल करेंगे हमारे सेकेंड एंड थर्ड हाफ सर्कल में। इस तरह से हम नेगेटिव स्पेस के साथ डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। नेगेटिव स्पेस वाला डिज़ाइन हमें कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं उसका आउटलाइन हमें ब्रॉड ड्रॉ करना है। दिन जो भी स्पेस रहेगा उसको इस तरह से हमें फिल करना है। जब भी आप नेगेटिव स्पेस वाला डिज़ाइन क्रिएट करोगे तो आप लोगों को ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। पहले तो आप आउटलाइन ब्रॉड बनाए, देन स्पेस को फिल करें। सेम डिज़ाइन हम थर्ड सर्कल में भी बनाएंगे। अब यहाँ पर हम लाइट वाला डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। बाकी के स्पेस में हम एकदम बारीक वाला डिज़ाइन फिल करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि हमारा डिज़ाइन लाइट शेड में हो, क्योंकि सर्कल के अंदर का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही डार्क है। यहाँ पर आप लाइनिंग भी ड्रॉ कर सकते हो या तो स्पाइरल भी ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से हम आउटलाइन ब्रॉड करेंगे। अब इसके ऊपर हम बारीक बारीक पेटल्स ड्रॉ करेंगे। डिज़ाइन को और हेवी दिखाने के लिए हम एक और बार पेटल्स ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर कुछ लीव्स बनाएंगे। जब भी आप ट्रेडिशनल वाला मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करोगे तब ध्यान रखें कि आपका मेहंदी कोन बहुत ही बारीक चलना चाहिए। आपका डिज़ाइन एकदम बारीक होना चाहिए, तभी आपके मेहंदी डिज़ाइन को ट्रेडिशनल वाला लुक आएगा। इस तरह से हम ऊपर के साइड बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं बनती तो आप सेक्शन वाइज उसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर स्कैल्प ड्रॉ किया है। यहाँ पर मैं लीव्स वाला बॉर्डर डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी, आप चाहे तो कोई और भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से आपको कोन को हल्के से प्रेस करते हुए चलाना है। ट्राई कीजिएगा कि आपके सेम साइज के बने। इस तरह से हम ब्रॉड लाइन से इसे कवर करेंगे। यहाँ पर मैं नेट वाला डिजाइन क्रिएट करूंगी।
तरह से हम डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
Thank you.